नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे परिवार यूट्यूब चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के बोर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं हाई स्कूल एवं इंटर के, उन सबको हम बारी बारी से क्लियर कराएंगे और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी में जनरल इंट्रोडक्शन। इस जनरल इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि अंग्रेजी की शुरुआत जब हम करते हैं तो जो प्रारंभिक चीज़ें होती हैं उनको हमें सबसे पहले समझना चाहिए, जिनके कारण हम आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको ठीक से समझ पाएं। तो इसके अंतर्गत हम सामान्य अंग्रेजी में जो डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं कुछ चीज़ों की, उनको समझते हैं और फिर उसके आगे कोर्स की जो जो चीज़ें होंगे उनको एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सबसे पहले हम ग्रामर को ही समझते हैं कि ग्रामर है क्या। ग्रामर की परिभाषा को समझते हैं। ग्रामर की परिभाषा के लिए हम देखते हैं कि ग्रामर इज अ सिस्टमैटिक वे इन विच वी लर्न हाउ ए लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। इसका अर्थ यह है कि ग्रामर हमारी जो है एक ऐसा तरीका है जिसको हम एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं, अर्थात एक बहुत ही विशेष रूप में पढ़ते हैं जिसमें हम किसी भाषा को रीडिंग यानी कि पढ़ते हैं, राइटिंग लिखते हैं और स्पीकिंग यानी बोलते हैं। हम उस भाषा को किस प्रकार से सही सही तरीके से लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। तो ग्रामर की अगर हमें परिभाषा देनी है तो हम व्याकरण को इसी तरह से हिंदी में बोल देते हैं कि जो ग्रामर है या व्याकरण है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भाषा को अच्छी तरह से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा आ जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारी किसी भी भाषा का एक ऐसा आधार है जिससे हम उस भाषा को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हमारी शुरुआत ही किसी भी भाषा की अल्फाबेट से होती है और इसकी हमें डेफिनेशन समझना, इसकी परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी परिभाषा हमारी दी गई है ए सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अर्थात ये जो अल्फाबेट होती है वो हमारी भाषा की एक ऐसी कड़ी है जिसको हम एक तारतम्य तरीके से रखते हैं और उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर देखें तो हमारी आ जाती है ए बी सी डी ई और आगे जेड तक। इसी प्रकार से हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि आ से लेकर के क्षेत्र ज्ञ तक जो आता है वो हमारी अल्फाबेट है। तो सबसे पहले हमें भाषा को सीखने के लिए उसकी अल्फाबेट को समझना बहुत ज़रूरी है और अल्फाबेट के बाद फिर हम आगे अगर उसको देखेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा लेटर। और ये प्रत्येक भाषा के या प्रत्येक जो भी हमारे भाषा के रूप होते हैं उनमें लेटर सबसे पहला हमारा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से उस भाषा को बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। तो इसमें लेटर जो होता है इसको हम हिंदी में अक्षर कहते हैं या वर्ड कह देते हैं। तो इसकी हमें परिभाषा समझनी है क्या है। तो इसमें दिया हुआ है
The smallest unit of a sound is called a letter. यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इससे और अधिक छोटी हम बना नहीं सकते कोई इकाई को, तो भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होता है जो एक ध्वनि प्रकट करता है, उसे हम लेटर कहते हैं। और कई लेटरों के योग से ही फिर हमारी भाषा का आगे विकास हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया है ABCDE, ये अंग्रेजी के लेटर्स हैं, और ऐसे ही हिंदी के लेटर्स होते हैं जो हमारी अल्फाबेट में शुरुआत आती है वो, तो ये लेटर हैं। और इन लेटर्स को हमें समझना चाहिए कि लेटर्स क्या चीज़ होती है। किसी भी भाषा के हमें आरंभ करने से पहले उसके लेटर्स को समझ लेना चाहिए कि वो लेटर्स क्या हैं। और इसके बाद फिर आता है वर्ड, इसके बाद हमारा वर्ड आ जाता है। ये जो वर्ड है वो लेटर के बाद की जो प्रोसेस होती है हमारी भाषा में, कि हम सबसे पहले छोटी इकाई को पढ़ लें, उससे आगे फिर क्या हो सकता है, वो हमारा वर्ड ही होता है। तो इसमें हम वर्ड की डेफिनेशन समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड के लिए दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अब किसी भी भाषा के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। हमारी अंग्रेजी में ये एक शब्दों का ऐसा समूह हो जाता है जो एक अर्थ देता है, लेकिन इस अर्थ के माध्यम से हम उस भाषा को समझ पाते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ जो लेटर्स होता है वो होता क्या है कि कई शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बन जाता है। जैसे इसमें हमने देखा है एग्जाम्पल में, जैसे सी को मिलाया, ए को मिलाया और टी को मिलाया, तो यहाँ हमारा वर्ड बन गया कैट। और कैट का एक सेंस भी आ रहा है, उसको हम कहते हैं बिल्ली, हिंदी में इसको हम बिल्ली कहेंगे, तो ये अर्थ भी दे रहा है, तब ये वर्ड कहलाएगा। ऐसे ही ये दिया हुआ है दूसरा बी ओ, फिर उसके बाद एक और ओ इसमें प्लस किया, उसके बाद के, तो ये हमारा चार लेटर्स को मिला करके वर्ड बन गया बुक, इसको हम हिंदी में कहते हैं किताब। तो ये जो शब्द हैं हमारे कई लेटर्स को मिला करके बने हैं, और उनसे जो वर्ड बना है, जो शब्द बना है, वो हमारा कैट और बुक बना है, जिसका दूसरी भाषा में हिंदी में हम कहें तो बिल्ली या किताब कहेंगे, जिसका एक अर्थ भी निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्ड हो जाता है हमारा। इसके बाद इसकी जो आगे की इकाई है थोड़ी, इससे भी बड़ा कहेंगे, आगे जो बढ़ेगा वो बनेगा सेंटेंस। तो अब लेटर्स को मिला करके हमारा वर्ड मिला, और वर्ड को मिला करके अब हमारा बनेगा सेंटेंस। तो इस सेंटेंस की डेफिनेशन को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस तो जब भी आपको कोई व्यक्ति मिलता है तो पूछ लेता है कि सेंटेंस क्या होता है। तो उसके लिए हमें इसमें डेफिनेशन मिलती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यहाँ वर्ड जो दिया हुआ है कंप्लीट सेंस, तो ये हमारा थोड़ा सा वर्ड की जो डेफिनेशन है उससे हटके है, और बाकी का सब मिलता जुलता हुआ है। तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो एक पूर्ण अर्थ देता है, और पूर्ण अर्थ देता है तब उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जो हमारा वर्ड होता है उसमें कंप्लीट शब्द नहीं होता है, बाकी का डेफिनेशन यही है, वो भी एक सेंस देता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट सेंस की बात कही गई है कि जो बात हम कहें उसका अर्थ पूर्ण हो जाए। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, एक वर्ड लिया है ही, दूसरा वर्ड लिया है इज, तीसरा वर्ड लिया है ए, और चौथा वर्ड लिया है टीचर। तो इन चारों वर्ड्स को मिला करके जो एक वाक्य बना है, जो सेंटेंस बना है, वो बना है ही इज ए टीचर। अब इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, इसका अर्थ है वह एक अध्यापक है। तो ये पूर्ण अर्थ हो गया, इसमें ये नहीं कि इसमें कुछ छूट गया हो,
लेकिन केवल वर्ड जो होता है वो एक ही अर्थ देगा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा, पूर्ण अर्थ नहीं देगा कि क्या है। केवल उससे एक जो वस्तु होती है या व्यक्ति या जो भी है उसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरे हम वाक्य को समझ लेते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट सेंस वाला वाक्य होता है। और इसके बाद में फिर आगे की जो प्रोसेस है वो आ जाती है हमारी फ्रेज। अब फ्रेज जो होता है वो अधिकांशतः बच्चे इस चीज को छोड़ ही देते हैं पढ़ते समय कि ये क्या है, नहीं समझ में आता है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज जो होता है वो इसी तरह से होता है, शब्दों का ही समूह होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम जब किसी वाक्य को बनाते हैं तो उसमें कई सारे जो शब्द फ्रेज होते हैं वो मिलते हैं, तब जाकर के सेंटेंस बन जाता है। तो ये भी उसी का एक स्वरूप होता है। इसकी डेफिनेशन के लिए दिया हुआ है कि ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग। इट डज नॉट कंटेन द फुल वर्ब और सब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा अंतर है इन चीजों का, जैसे यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट दिया हुआ है इसका। सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट होता ही है, लेकिन फ्रेज जो होता है वो भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन शब्दों के समूह के साथ ये जो है एक सेंस तो देता है लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अब पूर्ण अर्थ नहीं देता है तो ये कुछ शब्दों का ऐसा समूह होता है जो हम समझ तो लेते हैं कि ये शब्द ये हैं और इनका अर्थ ये है, लेकिन एक पूर्ण अर्थ नहीं देगा, तब वो हो जाता है फ्रेज। अब इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ए स्मॉल बॉय इज रनिंग फास्ट। अब यहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ तक की बात करें शुरू से लेकर के अंत तक तो ये तो एक वाक्य है, लेकिन अगर हम यहाँ से ये जो अंडरलाइन है ए स्मॉल बॉय इतने की बात करें तो ये हमारा एक फ्रेज हुआ है इसमें। और फ्रेज में भी बताया गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला करके तीन शब्द इसमें मिले हुए हैं, ए स्मॉल और बॉय, इसको मिला करके एक फ्रेज बन गया है। और दूसरा फ्रेज इधर दिया हुआ है कि रनिंग फास्ट, ये दो शब्द यहाँ मिले हुए हैं, वो भी एक फ्रेज बन गया है। बीच में ये क्रिया दी हुई है और ये भी क्रिया है, लेकिन कई शब्दों को मिला करके एक फ्रेज बन जाता है, तब उसको हम फ्रेज कहते हैं, जब ये अर्थ भी देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इसका न तो कोई वर्ब होता है और ना ही सब्जेक्ट होता है। अगर इतने फ्रेज को हम देखें तो इसमें ए स्मॉल बॉय का ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही इसकी कोई अपनी वर्ब है, क्रिया है, और ऐसे ही इसका, तब ये फ्रेज कहलाता है। लेकिन हम पूरे कुल को मिला करके कहें तो ये सेंटेंस बन जाता है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेज और सेंटेंस में। तो इस तरह से इनको हमें थोड़ा समझना जरूरी है। जब भी हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम शब्दों का आकलन तो कर लेते हैं, लेकिन हम उनमें ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो इतना दिया हुआ है दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके ये फ्रेज है या क्या है, इस चीज को हमें ठीक से समझ लेना है। इसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट आता है क्लॉज। ये क्लॉज भी हमारे अंग्रेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, और इसको भी हम ठीक से नहीं समझते हैं कि क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है। तो क्लॉज के लिए दिया हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। और उपवाक्य हमारा हिंदी में जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि वाक्य होता है और उसके आगे किसी भी शब्द के आगे उप लगा दें तो उसका छोटा रूप हो जाता है, वैसे ही यह है, एक सेंटेंस का एक छोटा रूप होता है जो हम उपवाक्य कहते हैं, वाक्य का ही रूप होता है। अब इसमें दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो इसका अर्थ है कि ये भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या किया गया है, इंक्लूड का मतलब है इसमें जोड़ा क्या गया है। अब इसमें जोड़ा गया है एक सब्जेक्ट भी होता है,
एक व्रव्य होती है और यह एक वाक्य का ही हिस्सा होता है, अर्थात ये पूर्ण वाक्य नहीं कह सकते लेकिन वाक्य का ही हिस्सा होता है, वाक्य की तरह ही होता है, इसलिए ये क्लॉज कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा कि ही गेट्स अप अर्ली एंड ही गोज आउट फॉर वॉक। अब इसमें दिया हुआ है कि ही गेट्स अप अर्ली, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अलग सेंटेंस जैसा लग रहा है लेकिन ये वाक्य नहीं, ये क्लॉज है। यहाँ से लेकर के कुल मिला के हम कहें तो ये एक वाक्य है, और यहाँ तक केवल अगर देखें हम जो पीछे ढक जाए जैसे कोई ना, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये पूरा हमारा कहलाएगा क्लॉज। लेकिन इनमें दो वाक्य आए हुए हैं जो उपवाक्य हैं, अब इन क्लॉज को हम मिला करके कहें तो वाक्य बन जाएगा, लेकिन इनका अगर देखा जाए तो कुल मिला के दोनों इस पूरे वाक्य के ही एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं। तो ही गेट्स अप अर्ली, एक तो उपवाक्य ये हुआ कि वह सुबह उठता है, जल्दी उठता है। ही गोज आउट फॉर ए वॉक, वह टहलने के लिए चला जाता है। तो ये दो वाक्यों को जोड़ करके या इनमें जो फुल एक सेंटेंस बना हुआ है पूर्ण वाक्य, वो है हमारा दोनों को उपवाक्यों को मिला करके, तो ये बन जाता है हमारा क्लॉज। तो इस तरह से ये क्लॉज हो गया, और हमारे अंग्रेजी के जो शुरुआती हमारी आरंभिक जो चीज़ें हैं वो हमारी ये डेफिनेशंस हैं, इनको पूर्ण करने के बाद हम इसको कोर्स के अनुसार आगे बढ़ाएंगे और इनका भी डिटेल बताएंगे आगे जब हम पार्ट्स में आएंगे इनके, तो सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं, काइंड्स क्या क्या हैं और हमारे क्लॉज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।